नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका इस ट्रेनिंग सीरीज़ में। पिछली वीडियो में अपन ने बात की थी अपनी ड्रीम लिस्ट की, किस तरीके से हमें अपनी ड्रीम लिस्ट को तैयार करना है। और ये वो लिस्ट होती है जो आपको मोटिवेट करती है इस बिज़नेस में आगे बढ़ने के लिए, आगे बढ़ के काम करने के लिए। दोस्तों, जिस तरह से अपन ने बात की थी कि हम अपने दूसरे वीडियो में एक दूसरी लिस्ट की बात करेंगे, तो बिल्कुल आज हम उस दूसरी लिस्ट के ऊपर बात करने के लिए सामने हैं। और ये लिस्ट होती है दोस्तों अपने लोगों की लिस्ट, यानी कि हमें जिन लोगों को प्लान दिखाना है उनके नाम हमें नोट डाउन करने पड़ते हैं पेपर के ऊपर। तो ये जो लिस्ट तैयार होती है अपनी, ये रॉ मटेरियल होता है, क्योंकि ये प्लान हम जब तक लोगों को बताएंगे नहीं तब तक हम कंपनी का लोगों को रूबरू नहीं कराएंगे, कंपनी से कंपनी के बारे में नहीं बताएंगे, तो हम अपने बिजनेस को आगे कैसे बढ़ाएंगे। नेटवर्किंग जो है, हमें लोगों का नेटवर्क तैयार करना है तो उसके लिए हमें लोगों की ज़रूरत पड़ती है। और वो लोग जो हमारे बिजनेस के अंदर आएंगे उनको हमें पहले लिस्ट आउट करना पड़ेगा, हमें पहले उन लोगों की लिस्ट पेपर पे तैयार करनी पड़ेगी जिनको हम ये बिज़नेस प्लान बताना चाहते हैं। तो दोस्तों, किस तरीके से अपन इस लिस्ट को तैयार करेंगे इसको अपन समझते हैं। दोस्तों, यहाँ पे मैं बात करूँगा कि हमें सिर्फ एक लिस्ट पे काम नहीं करना है, हमें पांच लिस्ट बनानी है, पांच अलग अलग लिस्टें तैयार करनी है। और ये पांच अलग अलग लिस्टें क्या होंगी इसको समझते हैं। तो दोस्तों, पहली लिस्ट जो हमें तैयार करनी है उन लोगों की करनी है जिन पे हमें लगता है कि हमने उनको अगर इस बिजनेस के बारे में बताया तो वो हमारे साथ में 100% ज्वाइन होंगे, वो हमारे साथ में बिजनेस को ज्वाइन करेंगे और वो हमारे साथ में इस बिजनेस को करेंगे। तो ऐसे लोग जो आपके मन में हैं उन लोगों की आपकी वो लिस्ट तैयार करनी है, ठीक। इसके बाद हमें जो दूसरी लिस्ट तैयार करनी है वो करनी है अपने रिश्तेदारों की, अपने रिलेटिव्स की, अपने संबंधियों, सगे संबंधियों की लिस्ट तैयार करनी है, ठीक है। तीसरी लिस्ट हमें जो तैयार करनी है वो करनी है उन लोगों की जिन्हें हमें लगता है, हम जानते हैं और हमें पूरा विश्वास है कि हम इस बिजनेस के बारे में जब उनको बताएंगे तो वो इस बिजनेस के लिए मना कर देंगे, 100% वो इस बिजनेस को हमारे साथ करना नहीं चाहेंगे, वो इस बिजनेस के लिए मना कर देंगे। ऐसे लोगों की भी हमें जो लिस्ट तैयार करनी है, ये हमारी तीसरी लिस्ट होगी। चौथी लिस्ट जो हमें तैयार करनी है वो करनी है जिस शहर, जिस गांव में हम रहते हैं उनसे बाहर के लोगों की, यानी अपने शहर को छोड़ के, अपने गांव को छोड़ के हमें बाहर के लोगों का, जो दूसरी सिटीज़ में है, दूसरे शहरों में है, दूसरे गांव में, उन लोगों के नामों की लिस्ट जो हमें तैयार करनी है वो हमारी होगी चौथी लिस्ट। और पांचवी लिस्ट जो हमें तैयार करनी है अननोन लोगों की, अनजान लोगों की, जिनको हम नहीं जानते लेकिन हम उनसे कभी बस में या कभी ट्रेन में मिलते हैं, हल्की फुल्की बातें होती हैं, नंबर एक्सचेंज होते हैं, और इन लोगों की जो लिस्ट तैयार होगी ये होगी बिल्कुल अननोन लोगों की लिस्ट। तो इस तरह से देखा अपन ने कि हमें अपनी ये पांच लिस्टें तैयार करनी है। अब इन पांच लिस्टों के ऊपर हमें किस तरीके से प्लान दिखाना है इसको हम समझते हैं। तो दोस्तों, जो अपन ने पहली लिस्ट की बात की कि 100% जिस पे अपने को पूरा बिलीव है, ये वो लोग हैं जो हमारा मन कहता है कि हम इस बिजनेस के बारे में उनको बताएंगे तो वो हमारे साथ में 100% ज्वाइन करेंगे, इन लोगों को आपको प्लान दिखाना है। जी हाँ दोस्तों, आप इन लोगों को प्लान दिखाएंगे और ये वो लिस्ट होगी जो आपको बहुत तेजी से मोटिवेट भी करेगी और बहुत तेजी से डीमोटिवेट भी करेगी, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग आपके साथ में ज्वाइन करेंगे भी और बहुत सारे लोग मना करेंगे भी। लेकिन ये आपको लिस्ट पे जब जब आप काम करेंगे आपको अंदर से स्ट्रांग बनाएगी, मोटिवेट करेगी। बात करते हैं दूसरी लिस्ट की। ये दूसरी लिस्ट होगी रिलेटिव्स की। तो दोस्तों, जो रिलेटिव्स हैं
अपने सगे संबंधी हैं, इन लोगों को आपको प्लान नहीं दिखाना है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आपको अपनी अपलाइन की मदद लेनी है, उनके साथ जाके आपको प्लान शो उनके द्वारा करवाना है, यहाँ आपको प्लान नहीं दिखाना है। बिल्कुल क्लियर है। बात करते हैं अपनी तीसरी लिस्ट की। ये वो लोग हैं जब आपको लगता है कि ये लोग आपके साथ में 100% ज्वाइन नहीं करेंगे, यानी आप अगर इनको प्लान दिखाएंगे तो ये मना कर देंगे, ऐसे लोगों को आपको अपनी अपलाइन के साथ में जाके ही प्लान शो करना है। बिल्कुल। इसके बाद में बात करते हैं अपन चौथी लिस्ट की, यानी कि जो अपने शहर या गांव से बाहर के लोग हैं, इन लोगों को प्लान दिखाने के लिए आपको सोशल साइट्स की मदद लेनी पड़ेगी, यूट्यूब की मदद लेनी पड़ेगी, फेसबुक की मदद लेनी पड़ेगी। जिस तरीके से अपने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर भी बहुत शानदार प्लान के वीडियोस अवेलेबल हैं, आपको उन प्लान के वीडियोस को उन लोगों को फॉरवर्ड करना पड़ेगा, उनसे बात करनी पड़ेगी और मल्टीमीडिया का इस्तेमाल करते हुए लोगों को आपको प्लान बताना पड़ेगा। आप जूम मीटिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं और अलग अलग तरह के मल्टीमीडियास का इस्तेमाल करते हुए आपको प्लान प्रेजेंटेशन करना होगा। और पांचवी लिस्ट की अगर अपन बात करें, उन अननोन लोगों की जिनको आप जिनसे आप परिचित नहीं हैं, लेकिन ये वो लोग भी हो सकते हैं जिनको आपने ज्वाइन कराया और ये उनके जानकार लोग भी आपकी इसी लिस्ट में आते हैं, अननोन लोगों की लिस्ट में। इन लोगों को आप ही को प्लान दिखाना है, यहाँ आपको अपनी अपलाइन की मदद बिल्कुल नहीं लेनी है, क्योंकि दोस्तों यही वो लिस्ट है, यही वो चाबी है जो आपको इस बिजनेस पे बड़े मुकाम पे लेके जाएगी। ये लिस्ट आपकी कभी ना ख़त्म होने वाली लिस्ट होती है और यही वो लिस्ट होती है जिसके ऊपर आपकी सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस होती है, आपका डेवलपमेंट भी इसी लिस्ट के ऊपर होता है। और दोस्तों यही वो लोग होते हैं, क्योंकि यहाँ आप थर्ड पार्टी होते हैं और ये लोग जब आपके बिजनेस में आएंगे तो बहुत शानदार तरीके से आपके बिजनेस की ग्रोथ होगी। तो दोस्तों आज अपन ने बात की कि किस तरीके से अपने को लिस्ट बनानी है और उसको किस तरीके से डिवाइड करना है, और साथ ही साथ किस लिस्ट में किन लोगों से अपलाइन की मदद से प्लान दिखाना है, या मीडिया मल्टीमीडिया का इस्तेमाल करते हुए दिखाना है, या आपको प्लान दिखाना है, ये चीज़ें हमने क्लियर की। तो बिल्कुल आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा और इस वीडियो में आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं हम इसी तरह की अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।